पहले इस वीडियो को देखिए। और अब इन्हें देखिए, दरअसल पुलिस की गिरफ्त में दिखाई दे रही ये वही लड़कियां हैं जिन्होंने इंदौर में दबंगई दिखाई थी, लेकिन जब पुलिस डंडा चला सारी हवा टाइट हो गई और अब माफी मांग रही हैं। लेकिन जो काम इन्होंने किया था वो माफी के लायक नहीं था। अब पुलिस इनके खिलाफ धारा 307 के तहत कार्रवाई कर रही है। मामला इंदौर का है जहां से पिटाई का ये वीडियो वायरल हुआ था। इस वीडियो में चार लड़कियां मिलकर एक लड़की की सरेराह बेल्ट और लात घूंसों से जमकर पिटाई कर रही थी। मौके पर मौजूद किसी शख्स ने इनका वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। ये घटना 4 नवंबर की रात की है। वहीं वीडियो के सामने आने के बाद अब पुलिस ने पिटाई करने वाली 4 लड़कियों में से 3 को गिरफ्तार किया। वहीं एक लड़की और घटनास्थल पर मौजूद एक लड़का साथी जो था उसका, वो अब भी फरार चल रहा है। जो आपने दिनांक 4/11/2022 की रात्रि में जो घटना हुई थी जिसका वीडियो वायरल हुआ था सुबह, उस प्रकरण में हमने तीनों आरोपियों को राउंड अप कर लिया है और अभी इनको गिरफ्तार कर रहे हैं, मेघा मालवी, सीमा और पूनम को। और इसमें एक महिला और एक अन्य पुरुष की भी तलाश जारी है जिसके भी विवेचना में ये सब नाम खुलासा होंगे आगे। और हम कोशिश करेंगे कि जो शेष बचे आरोपी हैं उनको भी इसमें शीघ्र हम गिरफ्तार कर लें। इस प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए और महिला को आई चोटों को संज्ञान में लेते हुए वरिष्ठ अधिकारियों की दिशा निर्देशानुसार इसमें जो है सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है और शीघ्र ही हम सभी आरोपियों को पकड़ लेंगे। सर, किन धाराओं में प्रकरण में जो है धारा 307 बढ़ा दी गई है, 294/305/506 किया गया था। वीडियो में जो फुटेज आए और उस पर जो चोटों के, महिला पर जो चोट आई है उसमें गर्दन पर गंभीर चोट है और पेट में भी उसको लातात मारी है, तो जो काफ़ी गंभीर चोटें हैं इस पर से अपराध पंजीकृत। जानकारी के मुताबिक एक आरोपी लड़की ने पुलिस को बताया है कि पीड़िता ने उसके बॉयफ्रेंड से एक पार्टी में बात की। इसको लेकर वो पहले ही एतराज़ जता चुकी थी, लेकिन पीड़िता का कहना था कि वो उस लड़के को पहले से जानती है। दोनों लड़कियों के बीच विवाद की यही वजह थी और इसी के चलते 4 नवंबर की रात को पीड़ित लड़की को राजीनामा लेकर बुलाया गया, लेकिन बात न बन पाने पर उसकी पिटाई कर दी गई। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।